वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है गरीब और मजदूर जो कि लॉकडाउन के दौर में यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं और कैसे भी करके बस अपने घर पहुँचना चाहते हैं ऐसे हजारों की संख्या में मजदूर होंगे जो पैदल ही अपने घर जाने के लिए निकल पड़े हैं अपने घरों की ओर निकल पड़े इन मजदूरों के साथ कई जगह हादसे भी हो रहे हैं वहीं कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर किसी का भी दिमाग चकरा सकता है हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है पिछले कई दिनों में इन बेसहारा मजदूरों की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई होंगी जिन्हें देख हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं कई मजदूरों ने तो चलते चलते दम तोड़ दिया हाल ही में आई इस तस्वीर में एक मजदूर महिला ने चलते चलते ही रास्ते में अपने बच्चे को जन्म दिया ये घटना महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा की है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र के नासिक से मध्य प्रदेश के सतना तक एक महिला मजदूर पैदल ही निकल पड़ी ताकि वो अपने घर पहुंच सके और इस सफ़र के दौरान महिला को पीपर गाँव के पास प्रसव पीड़ा हुई जिसके बाद मजबूरी में महिला को रास्ते में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा लेकिन इसे विधि का विधान कहें या फिर बेसहारा मजदूर की मजबूरी जो बच्चे के जन्म के बाद डेढ़ घंटे बाद ही ये महिला अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर फिर पैदल चलने लगी क्योंकि मजबूरी ये थी कि घर अभी और दूर था थोड़ी दूर जाने के बाद जब सेंधवा बॉर्डर पर पुलिस ने इन मजदूरों को देखा तब महिला के पति ने बताया कि उनकी पत्नी को पिपरगांव में दर्द हुआ और इसके बाद आनंद फानन में उसकी डिलीवरी हो गई साथ में चल रही महिलाओं ने पर्दा बनाकर डिलीवरी को अंजाम दिया और ये सब होने के डेढ़ घंटे बाद ही उन्होंने फिर से चलना शुरू कर दिया साथ ही ये भी बताया कि साथ में लौट रहे मजदूरों में एक और महिला भी है जिसको आठ महीने का गर्भ है और ये भी नासिक से पैदल चलकर आ रही है तब पुलिस ने इन्हें क्वारेंटाइन सेंटर भेजा और इनकी जांच के बाद अब इन्हें इनके घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स